हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2016 में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की मेनली 5 शाखाएँ हैं: डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग एंड डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट। डेयरी टेक्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत विभिन्न डेयरी उत्पाद जैसे बटर, चीज़, योगर्ट, पनीर एवं पारंपरिक मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि के निर्माण की विधि को पढ़ाया जाता है एवं इनके पैकेजिंग के बारे में बताया जाता है। डेयरी इंजीनियरिंग शाखा के अंतर्गत डेयरी उद्योग में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की बनावट एवं उनके संचालन की विधि को बताया जाता है। अगर हम डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत दूध एवं दूध उत्पाद में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म जीवी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में छात्रों को बताया जाता है एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दूध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्माण में क्या भूमिका है उसको बताया जाता है। अगर हम डेयरी केमिस्ट्री की बात करें तो डेयरी केमिस्ट्री में दूध एवं दूध के विभिन्न उत्पादों के रासायनिक संगठन के बारे में बताया जाता है एवं उनमें उपस्थित विभिन्न रसायन और उनके कार्यों को बताया जाता है। डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत अगर कोई स्टूडेंट अपने खुद की डेयरी लगाना चाहता है तो वो डेयरी उद्योग को कैसे स्थापित करे एवं उसको सुचारू रूप से कैसे संचालन किया जा सकता है के बारे में बताया जाता है। तो यह बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो वो डायरेक्ट पैसिफिक यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकता है या नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मोबाइल नंबर पर अपनी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।